हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए कि अब आपको पता है कि ये एक दो दिन में ही ये जो मैं चीज़ लिखी है ये आपके लिए ओपन होने वाली है बहुत तगड़ी बात है ये अपवर्ड मूवमेंट जो बी कर रहा है उसको भी जानना जरूरी है और जिसका बी एस टी सी की फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया उसको भी जानना जरूरी है क्योंकि न जाने कितने ही वीडियो बन चुके हैं इसके ऊपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको मिली नहीं है बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स थे बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स थी तो ये सब जानना बहुत जरूरी है जिस फील्ड के में अपन होते हैं उसके उसकी पूरी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए तो ये सभी के लिए पीएचडी सी जो कर रहा है या फिर फर्स्ट लिस्ट में नाम भी आया तो भी फर्स्ट लिस्ट में नाम नाम ना भी तो भी है है तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपन आज पूरी पीएचडी करने वाले हैं अपवर्ड मूवमेंट की अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके कॉमेंट्स थे कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है पहली बात तो ये अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है दूसरी बात अपवर्ड मूवमेंट कौन करा सकता है अपवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड कराने के बाद में क्या एडमिशन कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा जो अभी हमने रिपोर्टिंग करा रखी है तीन हज़ार रुपये फीस के दे रखे हैं बी एस कॉलेज के अंदर ये अपवर्ड मूवमेंट कहीं हमारा ये वाला कैंसिल तो नहीं हो जाएगा हमने अगर अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर दिया तो अपवर्ड में कॉलेज ऊपर की मिलती है या नीचे के कॉलेज मिलते हैं अपवर्ड कहाँ तक पॉसिबल है सपोज मुझे फर्स्ट चॉइस ही मिल गई है तो मैं भी क्या अपवर्ड करा सकता हूँ क्या अपवर्ड कब करा सकते हैं आज या कल कब से अपवर्ड स्टार्ट होने वाले ये सब जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो सब अपन एक 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 करके जानेंगे लेकिन सबसे पहले अपन को यह चीज जाने अपवर्ड होता क्या है तो अपवर्ड का मतलब ऊपर चलना वैसे भी आपको इंग्लिश में रहते तो आपको पतापन पढ़ते ही रहते हैं तो अपवर्ड का मतलब है ऊपर ठीक है तो मतलब यह है कि आपने जैसे ही मैंने कहा था कि जब आप फॉर्म फिल करो तो उसमें आपने अपनी कुछ चॉइस भरी होगी भाई कॉलेज की चॉइसें होती है वो कॉलेज की चोइस सपोज एक दो तीन चार आठ दस भर दी आठ दस पंद्रह जो भी आपकी चॉइस थी भर दी वो दस पंद्रह चॉइस भरने के बाद में फिर आपसे एक टिक करवाया होगा कि ऑल राजस्थान करना चाहते हो कहीं पर भी कि इन दस में मिल जाती है तो ठीक है अगर इन दस कॉलेज के अलावा अगर आपको चाहिए तो ओल्ड राजस्थान में टिक कर दो वो मैंने आपको कहा भी था कि आपको ओल्ड राजस्थान पर टिक करके आना है तो आप सभी ने ओल्ड राजस्थान पर टिक भी कर दिया था कि बस हमें तो कहीं पर भी मिल जाए पूरे राजस्थान में हमें भी एक सी करनी है डोंट कोई दिक्कत नहीं डोंट वरी ठीक है तो फिर अब हुआ क्या कि अपवर्ड लिस्ट आ भी गई मतलब ये पूरा आपकी लिस्ट आ चुकी है और आपको सपोज एक बार जानो मैं एक बार लिख रखा है यहाँ पर कि ये सपोज अपवर्ड मोमेंट है और आपने इस तरीके से अपनी चॉइस भरी थी और आपको मिली है एक सौ कॉलेज सपोज ऐसा मान लेते हैं एक सौ मिली है सातवीं मिली है मान लीजिए ये मिली सातवीं कॉलेज मिली है बट ये जो कॉलेज है ना ये आपको पसंद नहीं है आपको ये पसंद नहीं है और दूसरी बात ये भी है पसंद क्यों नहीं है कॉलेज है क्या पसंद करना बट बिकॉज ये आपसे दूर है दूर पड़ती है इसलिए इशू है कि वहाँ आना जाना बड़ा झंझट है इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले सपोज जयपुर के रहने वाले या आ, मतलब जैसलमेर का रहने वाले कहीं पर रहने वाले इतना दूर अगर कहीं भेज दिया भरतपुर भेज दिया जैसलमेर भेज दिया तो थोड़ा इशू बनता है तो फिर हमें इसलिए ये कॉलेज है ना अगर काश इनमें से कोई मिल जाती क्योंकि ये हमारे कोई नज़दीक है तो आपने अपवर्ड का फॉर्म भर दिया लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है वो मैंने आपको बता रखा है कि 26 तारीख लास्ट डेट है आज 25 हो गए कल 26 लास्ट है गलती मत कर देना चिक मत जाना ठीक है उसमें क्या है कि जो भी कॉलेज चाहे एक सौ मिली है चाहे सातवी मिली है सबसे पहले आपको वहां पर एडमिशन आपने करा लिया होगा नहीं करवाई तो अभी भी टाइम है वहां एडमिशन कराना है ठीक है वहां एडमिशन कराना है और वहां पर आपको उस कॉलेज में जाना है अगर क्लास लग रही है तो क्लास भी लेनी है मतलब आपकी वहां पर अटेंडेंस चालू हो जानी चाहिए अटेंडेंस ठीक है ना अटेंडेंस रजिस्टर में आपका नाम बकायदा हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि जिस दिन कॉलेज स्टार्ट हुई उस दिन से मैं क्लासे ले रहा हूँ या ले रही हूँ ठीक है अब अलॉटमेंट आएगा किसका ओपन होगा अपोर्ड मूवमेंट का अब वो 26 तारीख के बाद में आएगा 28 तारीख के बाद में रह सकता है जनवरी में रह सकता है कभी भी जब भी ओपन होगा मैं बता दूंगा तुरंत अब नो टेंशन रहो आराम से सात दिन का दस दिन का टाइम मिलेगा कोई जबरदस्त वाली कोई बात नहीं है प्रेशर माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो सपोज आपको जो भी कॉलेज अभी मिल रखी है उसमें आप जा रहे होंगे और आपको वहाँ एडमिशन कराना है क्या है तीन हज़ार की फीस दी होगी पाँच सौ रुपये होगी जो भी पूरा सिस्टम आपको बता रखा है वो आपने करवाना है वहाँ क्लासें भी लेनी है जैसे ही अपवर्ड का फॉर्म ओपन होगा वो जो जो कि छब्बीस के बाद या अट्ठाईस के बाद होगा इसी महीने में दिसंबर में जनवरी के फर्स्ट वीक में तो फिर आपको उसमें फिर भरना है कि मैं ना मेरे को सपोज ये एक कॉलेज मिली है इससे पहले सपोज वन कॉलेज है फोर्टी नाइन है या फिर मिली तो इसके पहले छह कॉलेज है ठीक है ना तो अब आपको अपवर्ड का मतलब है ऊपर की ओर आप नीचे तो जा ही नहीं सकते नीचे नहीं जा सकते इस बात को दिमाग में फिट कर लेना नीचे नहीं जाया जा सकता ऊपर जाया जाता है सात से ऊपर तो अब आपने जैसे ही अपवर्ड का फॉर्म फिल किया तो आपको इनमें से कोई सी भी कॉलेज मिल सकती है कोई से अभी कोई सा भी कॉलेज आपको मिल सकता है वो आपको समझना पड़ेगा अब वो कॉलेज में अगर सपोज किस्मत से आपको चाहिए थी चौथी और आपको मिल गई सेकंड मान लेते सेकंड मिल गई और दिमाग में क्या आई कि अरे यार ये तो उल्टा ज्यादा नुकसान हो गया बोले इससे तो यही अच्छी थी लेकिन ध्यान रखें अगर ये मिल गई ध्यान रखना अगर ये मिल गई किसमें अप्रोड कराने के बाद तो फिर आपको इसी में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी एडमिशन आपका अब इसी में होगा तो ये ध्यान रखना एक से छ में कोई सी भी मिल सकती है जिसमें भी सीटें खाली हो अलग अलग तरह से सीटें खाली हो सकती है आपके नंबर अगर, अगर अच्छे हैं तो ठीक ठाक कॉलेज कोई सा मिल सकता है और नाम भी मिले अब दो क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर हमने अपवर्ड कराया सुनो कॉलेज मिली एक तो कॉलेज मिली और एक कॉलेज नहीं मिला ठीक है नहीं मिली ये दो बातें हैं अगर कॉलेज मिल गई

बस आपको एक रिलीव लेटर मिलेगा वो सीधा लेके अगले में जाना ऑटोमेटिक यहां से डॉक्यूमेंट वगैरह सब वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे जो आपको इसमें कॉलेज मिली है वहां पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे और आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा लेकिन अब ये आपको करना मस्ट है ये चेंज नहीं होगी फिर इसको मस्ट है ये नो चेंज है ना मतलब अब आप इसको बदल नहीं सकते ये तो आपको फिर अब लेनी ही पड़ेगी भले ही वो दूर क्यों ना हो क्योंकि आपने खुद नहीं अपलोड कराई थी तो ये ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना जैसे ही अपवर्ड होगी है ना जैसे ही अपवर्ड होगी तो अपवर्ड के फॉर्म जो ओपन होंगे तो कुछ आपके फॉर्म फीस भी लग सकती है वो तो लगेगी लगेगी वो तो हमेशा ही लगती है फॉर्म फीस को दो सौ चार सौ पाँच सौ रुपए तक लास्ट तो फॉर्म फीस भी लगेगी इस बार कितनी लगती है सब कुछ बता दिया जाएगा कब फॉर्म ओपन होगा सब बता देंगे फॉर्म फीस लगेगी दो सौ तीन सौ चार सौ बस और कुछ नहीं बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही जो आपने इस कॉलेज में ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी लगा रखे हैं वो ऑटोमेटिक आपके ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपको अपवर्ड हो जाता है तो अब बात आती है जो मैंने लिख भी दिए कि अपवर्ड मूवमेंट अगर हो गया तो फिर आपको वही ज्वाइन करना पड़ेगा बस जो कॉलेज अपवर्ड हुई है ना वो जिसमें अभी हो रखा है बस यहां से आपको जाना पड़ेगा ये तो मस्ट है ठीक है बस आपको रिलेटर मिल जाएगा वो लेटर लेके जाना है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वगैरह सब फीस दोबारा कुछ भी नहीं करना सब ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा अगर अपवर्ड नहीं हुआ तो फिर वो ही रह जाएगी जो अभी आपको मिल रखी है कॉलेज एडमिशन कैंसिल नहीं होगा कैंसिल नहीं होगा डोंट वरी मस्त रहें तो अपवर्ड करा सकते हैं और कौन करा सकता है ये भी एक चीज है ये चीज है ये भी मैंने लिखी ना शुरू में कि अपवर्ड कौन करा सकता है कौन करा सकता है अरे भाई जिसने सपोज कॉलेज भरी थी उसको पहली कॉलेज मिल गई फर्स्ट वाली कॉलेज मिल गई है ना तो अब तू कहाँ कराएगा भाई कॉलेज तेरा तो पहली पहली मिल गई इसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है ना तो जिसको पहली कॉलेज मिल गई है ना मिल गई वो upward नहीं करा सकता लेकिन जिसको दूसरी मिल गई सेकेंड मिल रखी है और वो चाहता है कि फर्स्ट वाली मेरा नजदीक है तो upward करा सकता है अगर किस्मत है अगर मिल जाती है तो तेरे को यह भी मिल सकती है वरना कोई दिक्कत है समझ में ही ध्यान रखना है फर्स्ट के अलावा जो भी नंबर आपको मिला है कॉलेज का वो सब अपॉर्ड करा सकते हैं नो टेंशन होके कोई चिंता वाली बात नहीं है अभी अपोर्ड के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं एक दो दिन में जब भी होंगे चार पांच दिन में आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा बेफिक्र रहें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकिन ध्यान रखें अभी जो कॉलेज मिल रखी है आपको बी करने के लिए उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे जमा करा देना क्लासेस लेनी है क्योंकि आपकी अटेंडेंस वगैरह सब जमा वो देखा जाएगा वरना अपपोर्ड वाले कहेंगे भाई कहाँ तो अरे तो, तो अटेंडेंस वगैरह नहीं तो एडमिशन नहीं करवा रखा अभी तक वो नहीं चलेगा फिर पहला काम तो रिपोर्टिंग का ही है वो आपने करवाना है तीन हज़ार रुपये जमा कराने वो सब आपने करा दिया होगा और नहीं तो फिर कल तक का टाइम है वो करवा के रेडी रखो उस कॉलेज में जाना भी है उसका सब कुछ आपको जो भी कोई परमिशन लेटर वगैरह जो भी बनता है सब बनवाने सब रेडी एज लाइक आपने वहाँ एडमिशन ले लिया सब कुछ प्रॉपर वही रखना है बस उसके बाद में अपर्ड होगा ये जरूर ध्यान रखना है बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी आपको दे दी जो शुरुआत में अपन लिखी थी बस ध्यान ही रखना है कि जो भी कॉलेज मिली उसमें और क्योंकि आपको राजस्थान आपने कर रखा था इसलिए आपको जो भी कॉलेज मिलेगी राजस्थान में कहीं पर भी उसमें एक बार एडमिशन जरूर लेना लेना है ले लिया होगा वो मैं पहले बता चुका मस्ट है अटेंडेंस वहाँ की मतलब देखी जाएगी और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये मैंने लिख ही दिया कि अपवर्ड की जो डेट है वो छब्बीस दिसंबर के बाद अभी नहीं स्टार्ट हुए अपवर्ड कब अपडे छब्बीस के बाद कभी भी और मेरे साथ हो ना। क्या होता है बता दिया अपवर्ड कौन करा सकते है? बता दिया और ये एडमिशन कैंसिल नहीं होगा बता दिया कॉलेज हमेशा ऊपर की ओर ही मिलती है नीचे की ओर नहीं मिलती है अपवर्ड कहां तक पॉसिबल है सपोज फर्स्ट फर्स्ट चॉइस वाले अपवर्ड नहीं करा सकते सीधी सी बात है और अपवर्ड कब करा सकते हैं तो छब्बीस दिसंबर के बाद में ठीक है ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपर मोमेंट का बारे में जानना हो चाहिए बी एच सी फर्स्ट लिस्ट में नंबर ना भी आए तो नेक्स्ट टाइम भी फ्यूचर में भी काम आता है ये थी चीजें जानकारी लेनी बहुत जरूरी है इसको कलेक्ट करके रखना बस जो भी अभी आपको कॉलेज मिल रही है उसमें आपको एडमिशन लेना है लेना है मस्ट है वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करा दो ओरिजिनल फोटो फोटोग्राफी जो भी मांग रहे हैं मैंने आपको बता रखा है और उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक और वहां पर आपको क्लासेस भी लेनी थोड़ी देर एडजस्ट करो वहाँ जाना भी है उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा वहाँ पर कोई फीस वीस एक्स्ट्रा नहीं लगेगी बस अपवर्ड फॉर्म की कुछ फीस लगेगी दो चार सौ जो भी लगेगी ठीक है बाकी कुछ मिन कुछ भी नहीं लगेगी बेफिक्र होकर रहें जैसे ही अपवर्ड फॉर्म ओपन होगा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा ऑटोमेटिक कुछ अलग से कुछ भी नहीं है अलग से कहीं पर भी नहीं जाना है बस उसमें फॉर्म भर देंगे पूरी डिटेल आ जाएगी और आप ये चाहते हो कि भाई मेरे को ये दस नंबर के कॉलेज मिली तो शुरुआती नौ में से कोई भी मुझे कॉलेज मिले अपवर्ड में मुझे वो पसंद है बस ये शर्त है कि अब वो अगर मिल गई है तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी ठीक है ना और अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं ये जो मिली हुई है वो तो आपके पास में है ही ठीक है ना और भी कोई हेल्प चाहिए तो कॉमेंट कर देना आपको मैं उसके ऊपर एक सेशन रख दूंगा ये कॉमेंट एक बच्चों का आया था बहुत ज़्यादा कॉमेंट आपके आए थे मेरे हिसाब से मैंने सारे आपके इश्यू और डाउट क्लियर कर दिए होंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना ओके